जैसे कोई अजात चीज पृथ्वी की तरफ आ रही है। महाबली, आप मानोगे नहीं कि क्या हुआ, हम जीत गए, हम जीत गए सर जी, आपने कर दिखाया, हम जीत गए। राम तुम्हारी जय हो। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे सुपर हीरो यूनिवर्स के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल के बारे में, सारे मतलब सारे। अब यहाँ पर सुपर हीरो यूनिवर्स इसलिए कहा क्योंकि हम यहाँ पर मार्वल और डीसी दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे। सो मिस्टर फिल्म से मैं हूँ अनुभव, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एंथ मेटल। एंथ मेटल का फर्स्ट अपीयरेंस हमें 1940s की फ्लैश कॉमिक्स के इशू 1 में दिखाया गया। एंथ मेटल को नाइन्थ मेटल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हाइपर कंडक्टिव मेटल है और पाया जाता है थानागार में। ये चीज है तो मेटल, बट ये मेटल की कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। इसके पास एबिलिटी है कि ये ग्रेविटी को निगेट यानी जीरो कर सकता है, जिसकी वजह से इसको पहनने वाला इजिली उड़ सकता है। अब कुछ केसेस में ये भी नोटिस किया गया है कि ये वाउंड्स की हीलिंग स्पीड और स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। इसी के साथ ये यूजर की बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके उसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी प्रोटेक्ट करता है। इन्हीं सब चीजों के साथ ये मेटल पोसेस कर सकता है एंटी मैजिकल प्रॉपर्टीज, और घोस्ट और स्पिरिट से ये उनके एस्ट्रल फॉर्म्स में कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। एंथ मेटल को ट्रांस यूरेनिक आयरन ओर में क्लासिफाइड किया गया है विद एटॉमिक नंबर 26 एंड एटॉमिक मास 676। गैलेक्टिक ग्लेज। गैलेक्टिक ग्लेज एक ऐसा मटेरियल है जो कि सिल्वर सर्फर की पूरी बॉडी और उसके मिस्टिकल सर्फबोर्ड को कवर करता है। सिल्वर सर्फर का फर्स्ट अपीयरेंस हमें 1966 की कॉमिक फैंटास्टिक फोर के इशू 48 में देखने को मिला। ये ग्लेज उसे उसके मास्टर गैलेक्टस ने दिया था कुछ कॉस्मिक पावर्स के साथ। ये ग्लेज उसकी बॉडी को स्पेस में फ्रीज होने से बचाता है और प्रोटेक्ट करता है उसके इंटरनल ऑर्गन्स को। इसी ग्लेज की मदद से वो किसी भी स्टार और ब्लैक होल में पार्क की तरह घूम सकता है। कार्बोनेडियम। कार्बोनेडियम की स्टोरी ओमेगा रेड की स्टोरी से जुड़ी हुई है, जो कि स्टार्ट होती है 1922 के कॉमिक्स एक्समैन के इशू 4 से। ओमेगा रेड यानी एयर कैडी रोसोविच एक रशियन सीरियल किलर है, जो कि पकड़ा गया था खुद के वर्जन का कैप्टन अमेरिका बनाने के लिए। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके हाथ में मेटल टेंटेकल्स चिपक गए, फिर वो जाना जाने लगा ओमेगा रेड के नाम से। ये टेंटेकल्स बने थे कार्बोनेडियम के, जो कि सोवियत यूनियन ने इन्वेंट किया था खुद के वर्जन के एडामेंटियम के लिए। कार्बोनेडियम एडामेंटियम की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये रेडियो एक्टिव है, जिसकी वजह से अगर किसी म्यूटेंट को कार्बोनेडियम से मारा जाता है तो उसकी हीलिंग पावर काम करना बंद कर देती है। कार्बोनेडियम का यूज किया गया था डॉक्टर ऑक्टोपस के आर्म्स में और एंटी वल्वरिन बुलेट्स में। इनरड्रॉन। इनरड्रॉन को डीसी यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कराया गया एडवेंचर कॉमिक्स के इशू 336 में, जो कि रिलीज हुई थी 1965 में। इनरड्रॉन 30th और 31st सेंचुरी का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल था। विलेन से लड़ने के लिए स्टार फिंगर और ब्रेनियक 5 ने इनरट्रॉन से सुपर हीरोज के लिए शील्ड बनाई। ये मेटल इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को हैंडल कर सकता था। अब कॉमिक्स में तो इसको इंडेस्ट्रक्टेबल कहा गया था, लेकिन कुछ मामूली कैरेक्टर्स ने ही इसको बहुत बार तोड़ा है। सुपर बॉय जो कि क्रिप्टोनियन है और मॉन एल जो कि डेक्सामाइट है, वो तो प्योर इनरट्रॉन को भी तोड़ चुके हैं। इवन मैटर ईटर लैड तो इसके कुछ पार्ट्स को खा भी चुका है। अब इससे बुरा क्या हो सकता है। मार्वेलियम। मार्वेलियम का फर्स्ट अपीयरेंस हमें कैप्टन मार्वल एडवेंचर के इशू 100 में दिखाया गया था, जो कि रिलीज हुई थी सितंबर 1949 में। इस स्टोरी में डॉक्टर शिवाना टाइम में पीछे जाकर शजाम का मिस्टिकल ब्रेसलेट, जो कि शजामियम से बना होता है, उसे चुरा लेता है, जिससे वह खुद को घोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे कैप्टन मार्वल छू नहीं सकता। अब कैप्टन मार्वल को एविल क्लोन्स बनाने थे, जिसमें उसने यूज किया मार्वेलियम का, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स में से एक है, और सिर्फ कैप्टन मार्वल खुद ही इसको रिशेप कर सकता है। साथ में ये मिस्टिक बीम से भी इंपेनिट्रेबल है। ओमनियम। ओमनियम को मार्वल यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया गया एस्टोनिशिंग एक्समैन के इशू 3 में, जो कि रिलीज हुई थी 1995 में। ओमनियम एज ऑफ एपोकलिप्स स्टोरी लाइन का पार्ट रह चुका है, साथ ही में ये इंडेस्ट्रक्टेबल है। कॉमिक्स में व्हिप्लैश ने भी एक जगह ओमनियम का यूज किया था। प्रोमीथियम। प्रोमीथियम का हमें फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला
न्यू टीन टाइटन्स इशू 9 में। प्रोमीथियम बेसिकली दो फॉर्म्स में आता है, डीप्लेटेड और वोलेटाइल। डीप्लेटेड प्रोमीथियम का यूज किया गया था साइबॉग के साइबरनेटिक पार्ट्स में, जो कि उसको इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको सुपरमैन भी नहीं तोड़ सकता। अगर हम बात करें वोलेटाइल प्रोमीथियम की, तो इसको पावर सोर्स की तरह यूज किया जाता है, जिससे बना हुआ बॉम्ब एक यूनिवर्स को मिटा सकता है। एडामेंटाइन, अब रिश्ते में एडामेंटाइन एडामेंटियम का भांजा लगता है। मीनवाइल जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला था जर्नी इनटू मिस्ट्री एनुअल इशू 1 में, जो कि रिलीज हुई थी 1965 में। जब थॉर एसगार्ड से माउंट ओलंपस जा रहा होता है, तो उसकी मुलाकात होती है डेमीगॉड हरक्यूलिस से, जहां इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। हरक्यूलिस थॉर के हैमर के अगेंस्ट अपनी गोल्डन मेस उठाता है, जो कि एडामेंटाइन से बनी है। एडामेंटाइन इंडेस्ट्रक्टेबल तो है ही, इसी के साथ इसमें मिस्टिकल पावर्स हैं, जो कि किसी भी मैजिक अटैक को रोक सकती हैं। थॉर के हैमर के कॉन्स्टेंटली हिट के बावजूद भी ये उस मेस को एक स्क्रैच नहीं पहुंचा पाया था। और एस्टोनिशिंग एक्समैन के इशू 45 में वल्वरीन के अल्टरनेट वर्जन के क्लॉज और स्केलेटन एडामेंटाइन से ही बने थे। उरुमेटल, अब उरुमेटल से तो हम फैंस काफी ज्यादा फैमिलियर हैं, जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया था जर्नी टू द मिस्ट्री के इशू 115 में, जो कि रिलीज हुई थी 1965 में। उरुमेटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको रीशेप सिर्फ हार्ट ऑफ द स्टार या फिर इनचैंटेड फोर्स से ही किया जा सकता है। इसी के साथ उरुमेटल लाइटिंग भी हैंडल कर सकता है और सामने वाले पर फेंक भी सकता है। अमेज़ोनियम, ऑल स्टार इशू 8 में वंडर वुमन ब्रेसलेट इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि बने थे अमेज़ोनियम से। आगे इसी चीज को सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया वंडर वुमन इशू 52 में, जहां हमें ये एक्सप्लेन किया गया कि ये एक इंडेस्ट्रक्टेबल मेटल है, जो कि बुलेट से लेकर एनर्जी ब्लास्ट तक का कुछ भी रोक सकता है। सिर्फ मैजिकल वेपन्स ही अमेज़ोनियम को डैमेज कर सकते हैं। वाइब्रेनियम, वाइब्रेनियम का फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला डेयर डेविल के इशू 13 में, जो कि रिलीज हुई थी 1966 में, जो कि अर्थ के पावरफुल मेटल्स में से एक है। वकांडन वाइब्रेनियम साउंड, वाइब्रेशन और काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। वाइब्रेनियम एलॉय को ही कैप्टन अमेरिका की शील्ड में यूज किया गया था, और इसके मेश फॉर्म को ब्लैक पैंथर आर्मर में यूज किया गया। एडामेंटियम, एडामेंटियम को पावर हाउस ऑफ मेटल्स भी कहा जाता है। मार्वल यूनिवर्स में एडामेंटियम को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया एवेंजर्स के इशू 66 में, जो कि रिलीज हुई थी 1969 में। मार्वल कॉमिक्स में अल्ट्रॉन के आउटर शेल को एडामेंटियम से ही बनाया गया था। इसी के साथ वल्वरीन क्लॉज और स्केलेटन एडामेंटियम से ही बने हैं, जिसको थॉर का हैमर म्यूनियर, जो कि उरुमेटल से बना है, और हल्क डेंट भी नहीं मार पाए। मार्वल और डीसी यूनिवर्स में ऐसे और भी ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस हैं, जो कि सिर्फ कुछ ही ओकेजन पर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, और हमें उनके बारे में ज्यादा बताया भी नहीं गया। तो यहाँ पर हमने सुपर हीरो यूनिवर्स के सारे हार्डेस्ट सब्सटेंस को डिस्कस कर लिया, एक एक करने का काम ही खत्म। तो यार, अगर आपको हमारी ये लिस्ट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इट रियली मोटिवेट अस टू मेक मोर स्टफ लाइक दिस। और अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब क्योंकि इन डिटेल्स को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो एक शेयर तो बनता है। और यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। इट्स मिस्टर फ्लेम साइनिंग ऑफ। म्यूजिक